नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी वर्ष 2016 व 2021 में प्रतीक्षा सूची की। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर इस बारे में बताइए, तो देखिए इसमें चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कराकर पद स्थापन किए जाने के संबंध में ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कि गुलाब देवी हैं उनको अभ्यर्थियों द्वारा सौंपा गया है। और अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2016 व 2021 की प्रतीक्षा सूची जारी की गई है जिसमें हम लोगों के नाम शामिल है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था वे अधिकतर अन्य परीक्षाओं में भी सफल हो गए और उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, जिस कारण 2016 व 21 टीजीटी व पीजीटी के बहुत से पद रिक्त हो गए। जी हां दोस्तों, लेकिन जटिलता के कारण प्रतीक्षार्थ अभ्यर्थियों का चयन एनओसी ना मिलने के कारण नहीं हो पा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रबंधकों द्वारा अभ्यर्थियों को समय से सूचना ना देने पर विलंब हो गया। अभ्यर्थियों ने मांग की कि प्रतीक्षारत जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय द्वारा पूरी कराई जाए और इस संबंध में अभ्यर्थियों का यह भी सूचना है कि काउंसलिंग निदेशालय से कराने के संबंध में ड्राफ्ट भी तैयार है, लेकिन कैबिनेट से अनुमति ना मिलने के कारण उक्त पदस्थापन का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि काउंसलिंग कराकर उन्हें पदस्थापन करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। और ऐसे में दोस्तों टीजीटी बीजीटी अगर 2022 की बात करें तो ये 16-21 वाला मैटर जैसे ही सॉल्व होता है उसके बाद 21 वाला जो ये 22 की जो भर्ती है वो आप लोगों को मई के महीने में देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मई के दूसरे हफ्ते तक आपको ये भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।